देखिए जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है ये वाकई में देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आखिर वो जो पीड़ित को दोनों भाइयों ने जो काटकर हत्या कर दी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इसमें जाति और धर्म और मजहब नहीं देखा जाना चाहिए। अगर इंसानियत के तर्ज पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस तरह से ये हैदराबाद की घटना है ये वाकई में बहुत निंदनीय है। क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके शौहर को मौत के घाट उतार देना चाहिए? ये देश में क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से इससे बहुत से लोग दलितों के नेता बनते होंगे, बहुत से लोग ऐसे आज तक नहीं आवाज, आपके भीम आर्मी के ही, आज सबरन आर्मी के ही जो चंद्रशेखर रावण जो कहे जाते हैं, आज उनका मुंह नहीं खुल रहा है। आखिर इस देश की जनता को जो लोग जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने हैं, आखिर हैदराबाद के मुद्दों पे कहाँ है? ओबीसी साहब का बयान आया, ओबीसी साहब ने कहा कि आज क्यों नहीं अब लोगों की आवाज़ आ रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हिंदुओं की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे बैठी हुई है? जिस तरह से ये हैदराबाद की घटना ये वाकई में इस देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो आपको ऐसे लोग मौत के घाट, आखिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और CBI जाँच होकर उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैं हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर भी जुल्म करेगा तो हम उससे न्याय मांगने की जांच करेंगे, और वो जो दलित परिवार जो युवक की हत्या हुई है उसकी CBI जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, आखिर वो हिंदू हितैषी पार्टी कहाँ है? अगर आरोप लगता है कोई भी हो, अगर किसी भी समाज से अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायपालिका का ये अधिकार है। लेकिन हैदराबाद की ये घटना, अभी तक इस पे सभी लोग जितने दलित के नाम पे राजनीति करते हैं और जात के नाम पे राजनीति करते हैं उनका मुंह बंद है सीधे तौर पे। ये किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं कि न्याय, जो लोग सीधे तौर पे पता है ये अपराधी है तो उनको अपराधी को जेल भेजना चाहिए, लेकिन ये सरकार और ये जो मौजूदा तानाशाही चल रही है इसके डर से शायद लोगों के ऊपर FIR नहीं किया जा रहा है। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होती है तो पूरे देश में मुसलमान, हिंदू और दलित एक साथ जुट करके आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं कि ये गलत हुआ है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस हैदराबाद के नागराजू के लिए कोई भी खुल करके सामने नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, हम तो खुल के सामने आ रहे हैं, हम खुल के कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और CBI जांच। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप ही लोग जिनको बनाए हैं कि जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, आखिर आज जब दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है? ये केवल वोट के लिए और केवल 5 किलो राशन के लिए ये दलितों को चेहरा मानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में ही देखा होगा, बहन मायावती ने अपने दलित समाज को इन्होंने बेचने का काम किया, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने दलितों को न्यौछावर कर दिया कि आप BJP में चले जाइए, आप BJP के लिए। आखिर क्या जिस तरह से दलितों के ऊपर आपने देखा होगा जूते चप्पल से दलितों को मारा गया, आखिर उनको पैर चटवाए गए, आखिर उस पर ये राजनीतिक पार्टियां और दलित के नेता चंद्रशेखर रावण उस पर चुप रहते हैं? आखिर इस देश में हम किसी भी समाज से अगर शोषित और वंचित और अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की आवाज के लिए बुलंद करने का काम करेंगे। आपने सही कहा पांडे जी, आप अपने समाज को सुधारने के लिए क्या करें, क्योंकि अपराधी तो वो भी है, ब्राह्मण समाज भी अपराध करता है। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, जैसे नहीं देखिए देखिए नहीं हम सुधारने के लिए नहीं, दूसरों का ठेका, जो न्याय का ठेका लिया जाता है, आपको शायद अब मिर्ची लग रही होगी दूसरों का, जब मैं दलित नेताओं के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही होगी कि आखिर दलित के जो नेता है वो कहां पे सोए हुए हैं, आज उनका बयान क्यों नहीं आता है? आज नहीं जानकारी कौन सा बयान आ रहा है? आप अभी नहीं, अरे हैदराबाद में क्यों नहीं जाया जाए? चंदौली में आज लोग पहुंच रहे हैं, चंदौली में जाने का वो है, लेकिन हैदराबाद में जो इतनी बड़ी घटना हुई, आखिर जो दलित के मसीहा कहे जाते हैं जो लोग अपने आप को, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं हैदराबाद? न्याय दिलानी चाहिए, लेकिन हम हैदराबाद जाके उन परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में आज जो हिंदुओं
हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, ये हिंदू हित ऐसी पार्टी नहीं हो सकती है। ये जाति धर्म और मजहब के नाम पे, पहले आपको धर्म और जात में लड़ाएगी। सुनिए, मुसलमान ने अत्याचार किया, हिंदू ने नहीं किया है। नहीं, देखिए जो अत्याचार कोई भी समाज से हो सकता है, मैंने हमेशा आवाज उठाई है, कोई भी अत्याचारी अगर लोग हैं, मैंने आप देखा चंदौली की भी घटना हुई, ललितपुर की घटना, बेटी के साथ दुश्मन एसएसओ ने किया, उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई है। हमेशा सच के लिए आवाज उठाए हैं हम, जनता की आवाज के बनने के लिए। श्रवण जी, आप सिर्फ दलितों का खाना खाने जाते हो, उनको न्याय नहीं दिलवाते हो आप लोग। देखिए, वो दिखावा शायद योगी जी किए हैं, अभी कल भी आपने देखा होगा, स्वतंत्र देव सिंह जी वाल्मीकि परिवार के यहाँ जब लंच करते हैं तब वीडियो आती है कि मैंने, कल आपने देखा होगा कि वाल्मीकि परिवार के यहाँ के जाके उन्होंने पत्तल के उसमें खाना खाने का काम किया। आप अगर दलितों के नेता हैं, अगर आप दलितों के हित की बात करते हैं, तो आप दलित जिसमें खाना खाता है उसमें खाइए ना। आप पत्तल और बालक से प्लास्टिक गिलास, आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए। इससे दलितों को क्या फायदा खाना खाने से? नहीं, देखिए दलितों को इससे क्या है, दलितों को समझना होगा कि आपके न्याय के लिए आखिर जो आपको वोट बैंक के जरिए मानते हैं। देखिए जिस तरह से सरकार भी आखिर उनको शिक्षा की तरफ नहीं ले जाना चाहती है, अगर शिक्षा की तरफ ले जाएगी तो लोग जागरूक होंगे और उसमें से सभी लोग अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और जिस तरह से ये सरकार इस तानाशाही में और लोकतंत्र में जिस तरह से डराने और धमकाने का काम कर रही है, अगर आरोपी किसी भी समाज से आता है, मैंने जब अयोध्या में ब्राह्मणों के द्वारा जब मस्जिदों के बाहर कुरान और मांस के टुकड़े फेंके गए, उस पर भी हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। लेकिन सवाल ये हो जाता है, जो लोग दूसरे अपने जाति के लिए लड़ने के लिए और अपनी जाति का नेता जो मानते हैं, वो शायद अपने जाति और अपने समाज के बेहतर के लिए उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो चंदौली चले जाते हैं। आखिर क्या इस देश में न्याय मांगना और अपराध मांगना, अंतर्राष्ट्रीय धर्मीय विवाह करना, क्या उसमें अपराध है? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी भी जाति अंतर जाति विवाह नहीं हो रहे हैं, जातिवाद धर्म पर है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसके लिए जो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो खेल रही है, क्योंकि आपको अभी देख रहे होंगे पूरे देश में जिस तरह से धर्म का मुद्दा फैलाया जा रहा है, धर्म और मजहब के नाम पे पहले लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, उसके बाद जाति के जरिए आपको लड़ाया जाता है कि आप किस समाज से आते हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, क्योंकि पत्रकार महोदय ने कहा कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ब्राह्मणों समाज को सुधारने का क्या लिया? मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ब्राह्मण भी अगर गलत होता है तो मैंने उसके भी खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन आज इस समाज को समझना होगा कि जिस तरह से इस देश में जाति धर्म और ऐसे मजहबी लोगों को लड़ाया जा रहा है। देखिए, पहले हम इंसान हैं, जाति धर्म बात में है, और हैदराबाद हम जाने का काम करेंगे, हम उन दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि इसमें माहौल खराब करने के लिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बजरंग दल भी मुस्लिम की तरह से शामिल हो और दलितों की हत्या करवा के एक षड्यंत्र, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा, देखिए जिस तरह से हो सकता है, क्योंकि आप बताइए जब मंदिरों और मस्जिदों पर जब झंडा फहराया जाता है, जब पत्थरों की बात आती है कि मस्जिदों से पत्थर फेंके गए हैं, लेकिन वो पत्थर फेंकने वाला कौन होता है? बजरंग दल से होता है। इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, और न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले, क्योंकि आज भाजपाइयों का मुंह खुलना जरूरी है कि एक ऐसे जघन्य अपराध हो जाता है, जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, आखिर उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? वो अगर उसमें शामिल होते हैं ये लोग, तो आप क्या करने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए शामिल तो जितने भी दंगे हो रहे हैं, इसमें पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित है, और जिस तरह से इन दंगों को प्रभावित किया जा रहा है एक संघ, उसके जरिए देखिए आपने देखा होगा, आज मंदिर और मस्जिद
को लड़ाया जिस लिए जा रहा है, इसमें शायद वो लोग नहीं होते, आम जनता नहीं होती, आम हिंदू आम मुसलमान नहीं होता है, उसमें ये लोग होते हैं जो संगठन के नाम पे अपना व्यापार चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, और ये पूरा हैदराबाद में एक ऐसा बनाया जा रहा है कि एक पूरे देश में एक समुदाय के प्रति ऐसा अगर सम्मिलित तो मैं कहता हूँ ये जाँच का विषय है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, इसकी जाँच करवाए, जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम हैदराबाद पहुंच के इसकी मांग करेंगे कि उन परिवार वालों को, उनके पिताजी को और उनकी बहू को ये न्याय मिले कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस देश में धार्मिक संप्रदाय फैलाने के लिए ऐसे घटना का अंजाम देते हैं जो शायद देश के लिए शर्मसार है।